भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में निरंतर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। महंगाई का मुद्दा अब इस सरकार में कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। वर्तमान सरकार महंगाई पर चर्चा न करके हिंदू मुस्लिम की बात करती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान लाया। जी हाँ, यूपी का चुनाव, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र, कई जगह खुलते मेडिकल कॉलेज। लगता है कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ विकास पर जोर होने का दावा, इसी के नाम पर वोट पड़ने का दावा, लेकिन ये यूपी के चुनाव की सिर्फ आधी तस्वीर है। आधी तस्वीर, पूरी पिक्चर आज हम आपको दिखाएंगे उस सवाल के साथ जो सवाल गुम है। मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश की आवाम तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आवाम से जुड़ा सीधा मसला है। आखिरकार क्यों, क्यों आखिरकार वो मुद्दे गुम हो जाते हैं जो चुनाव की पिच पर उठने चाहिए। पूरी पिक्चर तो यह है कि जाति धर्म के तड़के के बाद अब आप देख रहे होंगे तमाम न्यूज चैनल्स में, इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने सिख, इतने ईसाई, इतने ओबीसी, एससी एसटी। सवाल अपने आप में बड़े हैं। सभी पार्टियों का काम अब धर्म के नाम पर वोट पर शुरू। इसकी शुरुआत किसने की? कोई कहता है कि केराना से योगी जी ने शुरुआत कर दी, कोई कहता है कि अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया, इंटरवल तक पहुंचने का काम कांग्रेस ने शुरू। सलमान खुर्शीद, अयोध्या पर लिखी किताब ने बवाल खड़ा कर दिया, और अब इस पिक्चर का क्लाइमेक्स बीजेपी लिखे। मगर इस लड़ाई में असल मुद्दे गुम हो गए। असल मुद्दे क्या, वो जो तमाम न्यूज चैनल्स पर आप देख रहे हैं। और ये असल मुद्दे कौन तय करता है? वाकई में ये सवाल बड़ा है, असल मुद्दे कौन तय करता है? क्या वो न्यूज चैनल्स जहां पर आप देखते हैं कि टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो, राष्ट्रवाद, वो उसमें जिम्मेदार हम भी हैं, जिसमें कहते हैं कि वो दोनों तरफ तलवारें दिखनी चाहिए, बीच में वर्सेस दिखना चाहिए, जहां आपस में बीजेपी और कांग्रेस लड़ते हुए दिखाई दें, और एक हिंदुत्व के नाम पर साधु संत को बिठा दिया जाए, और मुस्लिम चेहरे के तौर पर मौलाना साहब को बिठा दिया जाए, और जनता के मुद्दे गए भाड़ में, जनता के मुद्दे गए भाड़ में। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में चरमराई अर्थव्यवस्था, लोगों के द्वारा की गई आत्महत्या, स्वास्थ्य सेवाएं, ये तमाम मुद्दे गौण हो गए, मुद्दे गुम हो गए हैं, या फिर मीडिया ने गुम कर दिए हैं। जिम्मेदारी से हम अपने गिरेबान में झांकने में गुरेज नहीं करते। गुमान उन्हें होता है जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद, 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 और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ नहीं होता। मीडिया ने क्या वाकई में उन मुद्दों को गुम कर दिया है जो आपके जन सरोकार के मुद्दे हैं? क्या जात पात और हिंदू मुसलमान का शोर मचाकर आम आवाम की आवाज को कुचल दिया गया है? आज उठाएंगे आपका मुद्दा, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, बात होगी आप ही के मुद्दे की। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक विशेषज्ञ, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और असल तस्वीर आंकड़ों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई बनी डायन, फिर भी मुद्दा क्यों नहीं? तब होगी पॉलिटिक्स में असली मुद्दों की बात।
महंगाई से सब त्रस्त, सरकार और विपक्ष हिंदू मुसलमान में व्यस्त। क्यों नहीं होती महंगाई बेरोजगारी गरीबी की बात? साल 2010 में जब गायक ने ये पंक्तियां गाई होंगी तो शायद ये पंक्तियां उतनी तर्कसंगत नहीं थी जितनी कि आज। आज जब आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, अब जब जनता खाने की सब्जी से लेकर नहाने के साबुन तक की कीमत आसमान छू रही है, आज जब एक गरीब तबके के व्यक्ति के लिए 2 जून की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में हमारे धुरंधर चुनावी पिच पर हिंदू मुसलमान में व्यस्त हैं। कोई जिन्ना की बात करता है तो कोई जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो कोई अयोध्या का गीत गाता है। जिन्ना को जो है कि स्वतंत्रता सेनानी में हुआ है कि बोला, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मुद्दे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दो चार हैं, मगर राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान जाति धर्म की चॉकलेट देकर अपना चुनावी एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुद्दा अयोध्या है, बीजेपी के लिए मुद्दा सलमान खुर्शीद की किताब है, पर मुद्दा वो नहीं जो होना चाहिए, मुद्दा वो हो जो जनता की जिंदगी को सीधा प्रभावित करता हो। ऐसे में जनता को, सभी राजनीतिक दल जनता को बहलाने फुसलाने में लगे हैं। सभी दल जनता के मुद्दों को उठाने की बात तो कर रहे हैं मगर भटकते हुए दिख रहे हैं। पर इस बार चुनाव में मुद्दे वो होने चाहिए जो सच में जनता से जुड़े हो, जो जनता की आवाज हो, ना कि वो जो असली मुद्दों को दबाने के लिए मुद्दे बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये चेहरे जाने माने चेहरे हैं और तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें अपनी बेबाक राय के लिए देखते हैं। आरके मिश्रा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। थैंक यू सो मच आरके मिश्रा साहब। हमाम वाहिद साहब जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जी। अंसारी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आदत वही पुरानी है, पता नहीं कब सुधरेगी। सरकार से ही सवाल पूछता हूं, पूछता सरकार से ही हूं, आज भी सरकार से ही पूछूंगा। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ वक्त से इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, अब फिर एक नया करैक्टर। नया करैक्टर क्या, वो एक तथाकथित एक्ट्रेस है, कहती है कि आजादी भीख में मिली। लीजिए, कहती है आजादी भीख में मिली, जिसे आजादी के मायने नहीं मालूम वो कहती है आजादी भीख में मिली। भगत सिंह ने भीख में आजादी नहीं ली, सीना ठोक के फांसी के फंदे पर चढ़े। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए पूरे समाज में जिसने यह कहा कि आजादी भीख में मिली। यह पटेल का अपमान है, यह गांधी का अपमान है, यह हमारे हिंदुस्तान का अपमान है। आजादी भीख में मिली और हम उसे कहते हैं कि आइए आपको पुरस्कार देते हैं। आजादी भीख में मिली या आजादी भीख में नहीं मिली, इसकी निंदा सबको करनी चाहिए। और मिश्रा जी, चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान याद आया सबको, क्यों आखिरकार? तिलक जी, मैं बात की शुरुआत वहां से करता हूं। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात है, जहां पर असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जो कि असली मुद्दे पीछे छूट जाता है और ये चीज नहीं होना चाहिए। खास करके जब उस समय में जब आप देख रहे हैं जो कि देश हमें
उन जिम्मेदारियों के लिए भेजता है संसद में जहां पर हम उनकी समस्याओं को उठाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही, इस देश में सत्ता में रही 50 साल, उन्होंने ही हिंदू मुस्लिम किया। और मैं सीधा ही आरोप लगाता हूं, ये आरोप लगाइए, मैं आरोपों का जवाब लूंगा। मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले उस शख्स की निंदा हो जिसने ये कहा कि भीख में आजादी मिली, भीख में आजादी मिली, आजादी हमें भीख में मिली है, हमें भीख में मिली आजादी। मिश्रा जी निंदा करिए, पहले बोलिए हमने गलत शख्स को चुना। देखिए ऐसा है, जो भी इस तरह के शब्द या जिस तरह के वाक्य इस तरह से प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ही इस चीज को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। निंदनीय बोलिए, जो सही है भसना करता हूं मैं, इस वाक्य की भसना करता हूं मैं, निश्चित तौर पर, जो कि इस तरह के शब्द नहीं उपयोग होना चाहिए, कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है। जी आपका खून नहीं खोला, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो चैनल में बैठकर वो तलवारें दिखाते हैं, भड़ा दिया, टकरा दिया, लड़ा दिया, और वो राष्ट्रवाद वाले ये नहीं कहते कि इस बयान की भसना होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्ट्रेस कंगना का छज्जा टूट गया था, इसलिए पूरा का पूरा सब लोग इकट्ठे हो गए, छज्जा बड़ा टूटा। तिलक जी मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान की निंदा आप लोग क्यों नहीं कर रहे। देखिए तिलक जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों ने आजादी देखी तो नहीं है, लेकिन इतिहास तो पढ़ा है हमने, तो उसको पढ़ाइए ना, जिसने इतिहास नहीं पढ़ा, जिसको लगता है कि आजादी भीख में मिली है, आप उसको इतिहास पढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इस शब्द को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इस वाक्य को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि इस महंगाई या कोरोना या ऐसे सारे मुद्दे जो ज्वलनशील है, और उन मुद्दों को पीछे छोड़ करके जहां पर इन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो जनता ने हमें चुन करके जिस प्लेटफॉर्म पर भेजा है हमें, उस सदन के पटल पर जहां पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर चर्चा से भागने वाले जो भी पार्टी है उनकी भी भर्सना होनी चाहिए, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए? मिश्रा जी, मैं तो पूरे जत्था लेकर बैठता हूँ, पूरा का पूरा जत्था, आप जानते हैं मेरी आदत, पूरा इतिहास, भूगोल, सब कुछ लेकर बैठा हूँ आंकड़ों के साथ। अच्छा मुझे इतना बताइए, आपको क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा? क्या वजह है कि महंगाई मुद्दा नहीं बन पा रहा? 2014 से पहले महंगाई मुद्दा था ना, 2014 के बाद महंगाई मुद्दा चला गया, आज मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा महंगाई, आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल अभी मैं उसी शब्द पा रहा, आपके ही प्रश्न के जवाब में दे रहा हूं। अभी आप देखा है आपने, जो कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, उत्पाद शुल्क घटाया गया, लेकिन आप देखेंगे जो क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, जो महंगाई का मुद्दा, इससे पहले जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाती, उत्पाद शुल्क नहीं घटाया जाता, लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, जो 4-5 राज्य ऐसे हैं जिसमें 22 राज्यों ने वैट घटाया, आप उस पे हिसाब मैं कह रहा हूं कि महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पाई। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये आपको क्या लगता है क्यों नहीं बन पा रही महंगाई मुद्दा, या बनने नहीं दी जा रही? उसकी वजह है क्या? उसकी वजह है जहां पर महत्वाकांक्षा, जहां पर राजनीति, जहां पर ये चीज हावी हो जाता है, वहां पर जनता के मुद्दे तो बिल्कुल गौण हो जाते हैं। हम जिस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के सदन के पटल पर हम मानसून सत्र में गए थे, उसको जिस तरह से विपक्षियों ने महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही? क्या वो राष्ट्रवाद के नाम पर जोर जोर से चिल्लाते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, वो महंगाई मुद्दा नहीं बनने दे रहे? मैं अपनी गिरबान में झांक के बोल रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं सच बोलता हूँ, आपके अंदर हिम्मत है? मैं भी कह रहा हूँ आपको, बोलिए सर, बिल्कुल सच बोलूंगा, बोलिए, बिल्कुल सच बोलूंगा। महंगाई मुद्दा है, क्यों नहीं है महंगाई मुद्दा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस तरह से सेलेक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, कौन इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमाम साहब कौन कर रहा है ये महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही, महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही? हमाम साहब चावला जी, मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो संकुचित राष्ट्रवाद है। भाजपा ने जो राष्ट्रवाद का पूरा माहौल बनाया है देश में, और उसके सभी जिन्होंने बनाया उसी का नतीजा है, जो कैरेक्टरिस्टिक की भाषा का हम लोग प्रयोग सुन रहे हैं, ना सिर्फ हमारे पूर्व जो बलिदानों ने कुर्बानियों ने देश को आजाद किया, भाई जी जनता का अपमान, भाई जी वो अपमान जनता देख रही है ना, जनता जिस दिन जनता ऐसे ऐसे फिल्म स्टार की मूवीज देखना बंद कर देगी ना,
जनता ऐसे फिल्म स्टार्स की मूवी देखना बंद कर देगी ना, तो वो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वो दिमाग अगर होगा तो ठिकाने आ जाएगा उनका। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इच्छाधारी हिंदू बनने की जो कोशिश कांग्रेस करती है, अब आप कुल्हाड़ी पर पैर मारना और पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक अलग बात है, आप लोग कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार देते हैं। आपको लगता है ये अयोध्या वाला चैप्टर, सलमान खुर्शीद, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है, हम ऊपर उठते देश की सेवा के लिए, तो हमें राष्ट्रवाद गांधी जी ने हमें सिखाया है। जो कांग्रेस ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, एक सेकंड। अंसारी साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? अंसारी साहब जी, आपका ऑडियो आ रहा है जी। अंसारी साहब, ये आपको जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सारे मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या बेरोजगारी नहीं, क्या महंगाई नहीं, क्या कोरोना काल में चरमराई अर्थव्यवस्था नहीं, क्या हालात नहीं बिगड़े थे अस्पतालों में, तमाम मुद्दे थे, आपको जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ गई चुनाव में? अंसारी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी बोलिए जी, मेरी आवाज आ रही है? अंसारी जी अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिन्ना पे बयान दिया था वो उनका स्पष्टीकरण था बिल्कुल, कि यहाँ जो राजनीतिकरण होगा वो हिंदू मुस्लिम बेस पर बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं होगा, और जो गंभीर मुद्दे रहेंगे हमारे वो हमेशा समाजवादी ने अपने कार्यों पर वोट मांगी है और आगे भी अपने कार्यों पर वोट समाजवादी पार्टी मांग रही है। अभी माननीय योगी जी हमारे यहाँ आए थे, आप तो उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं, जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मैं सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा बताइए ना, जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ध्रुवीकरण का काम जो करती है वो बीजेपी पार्टी का ध्रुवीकरण का काम करती है, तो आप क्या कर रहे? समाजवादी पार्टी कभी भी ध्रुवीकरण का काम नहीं करती। कबूतर उड़ा रहे थे आप, देखिएगा अभी माननीय योगी जी ने भी जो बयान दिया आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हम मंदिर का और शमशान का निर्माण करने आए हैं, आप उनके बयान को देखिए। नहीं तो मैं तो कई बयान सुन चुका हूँ, वो छोड़िए आप, एक बयान आपने सुना ओपी राजभर का, जिन्ना अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा ही ना होता देश का, बोलिए, बहुत अच्छा बयान था, बोलिए, मैं समर्थन करता हूं, बोलिए ना, क्या हुआ? आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आ रही है, आपको भी आ रही होगी, जवाब नहीं देना तो बोलिए, मैं दूसरा सवाल भी पूछ लूं। जी 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 जी, बोलिए, मैं समर्थन करता हूं ओपी राजभर के बयान का कि अगर जिन्ना जो है देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा ना होता, करेंगे समर्थन? हेलो, चला गया ना सर ऑडियो? आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी मैं जानता हूं, मेरा ऑडियो चला जाता है अक्सर ऐसी बातों पे। सवाल दूसरा पूछूंगा अगली बार। आर के मिश्रा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आर के मिश्रा जी बोलिए जल्दी से, फिर मैं जो है अनुरोध जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। बिल्कुल, अभी अभी जिस तरह से सपा नेता अभी कह रहे थे जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है, बिल्कुल नहीं करती है ध्रुवीकरण की राजनीति, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं, मैं जो कि जिस तरह से जिन्ना के शब्द का प्रयोग किया गया उसके साथ ही ओपी राजभर का जिस तरह से बयान आया, निश्चित तौर पर ये ध्रुवीकरण इन विपक्षियों द्वारा, इन नेताओं द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब का यहाँ पर ये हो गया, जो पहले इससे मैं वही चीज कह रहा हूँ। तो जब अब पहले इन्होंने था जो कि 19% जो वोट है ये समाजवादी पार्टी के अंदर में है, लेकिन उस वोट के 19% जो मुस्लिम वोट जो यूपी में जो है यही वो पहले समझते थे ये समाजवादी पार्टी यही, है यही 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 19% यही तो मैं उगलवाना चाह रहा था, मैं बात कंप्लीट करूं 19%। अनुरोध जी, ना ना, अब मैं आऊंगा आपके पास, मैं तो असली मुद्दों के अभी आंकड़े लेकर बैठा हूं, वो जो सवाल पूछे नहीं जाते वो राष्ट्रहित के नाम पर पूछते नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनुरोध जी, ये जात पात के नाम पर क्यों, विकास के नाम पर लड़िए चुनाव कि नहीं? देखिए तिलक भाई, न्यूज वर्ल्ड इंडिया को और सबसे पहले आपको, कि आज जिस बेबाकी से आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जहां ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट के चक्कर में लोगों को भटकाया जा रहा है, और आज जैसे आप बेबाकी से इस बात को उठा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं इंडिया वर्ल्ड न्यूज
बधाई का पात्र है। और मुझे लगता है कि आज हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी को भी ऊपर जाकर जवाब देना पड़ेगा कि कहां हिंदू मुस्लिम को तुम छोड़कर ये महंगाई पर बात करने लगे। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि कह दूंगा अगर सच तो बदल जाओगे तुम भी, मीठे ना बनो जहर उगल जाओगे तुम भी, और ले आओ दिखावे का सियासत से खरापन, खोटे ही सही बाजार में चल जाओगे तुम भी। तो देखिए तिलक भाई, आज एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप बधाई के पात्र हैं, आपने इनको महंगाई पे ले आए, आप इनको जनता के मुद्दों पर ले आए। पर देखिए तिलक भाई, ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी जो अमित शाह जी समझा रहे थे अब वो मुझे समझ आ गई आज फाइनली कि पहले निर्मला सीतारमन जी कहेंगी कि मैं प्याज खाती नहीं हूं, फिर किसानों को परेशान किया जाएगा, अंबानी अडानी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ठेके किए जाएंगे, गोडाउन बनाए जाएंगे, और महंगाई को जनता के बीच में परोसा जाएगा। देखिए मैं एक समय सोचता था कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, राम की बात करती है, तो चलिए इनकी एक आइडियोलॉजी है, पर तिलक भाई मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे जो जमीन खरीदनी थी वो भी घोटाला कर लिया, उसके बाद इन्होंने जो सेना की बात होती थी, राष्ट्रवाद की बात होती थी। भाई तिलक भाई बस एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तिलक भाई। जी तिलक भाई, और समाजवादी पार्टी क्या कर रही है जी भाई, कांग्रेस क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जो एंगल बीच बीच में लाए जाते हैं ये जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है, पर आप एक बार देखिए कि समाजवादी ने जो किया उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है, आज वो सत्ता से बाहर है। और जिस तरह आप सत्ता से सवाल करते हैं, मैं भी सत्ता से ही सवाल करना चाहूंगा कि जिस चाइना को आप लाल लाल आंखें दिखाया करते थे, आज उसने पूरा का पूरा गांव बसा लिया है, पूरे के पूरे महल तैयार कर लिए हमारे देश के अंदर घुस के, अब आपकी लाल लाल आंखों में कहां प्याज का, प्याज की महंगाई का वो रस चला गया जो आपकी लाल लाल आंखें बंद हो गई। आप क्या जवाब देंगे कि आज पेट्रोल आपकी नाकाबिलियत है कि अगर आप महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहे, या आप लोगों की नाकाबिलियत है? मैं इसका उदाहरण देता हूं, आपने कहा ना सर मैं पूरा हिसाब किताब रखता हूं, फिर मैं जो है जयदिष्ठ जी से समझ लूं। तिलक भाई देखिए, 12 राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी 12 राज्यों में, और 8 राज्यों में बेरोजगारी जो दर है सितंबर तक के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 2 अंकों में पहुंच गए जी। और जी जी दिल्ली का आंकड़ा जानते हैं आप, जिसके मॉडल को आप लेकर जा रहे हैं जी, जी बिल्कुल। दिल्ली में बेरोजगारी दर जो है वो जून से सितंबर के बीच में दो गुनी हो गई जी। आप लोगों के लिए ये मुद्दा और एजेंडे है ही नहीं, अगर होते तो ये मुद्दे होने चाहिए थे, जनता को जानना चाहिए था कि मैं अगर बेरोजगारी दर बढ़ी है तो दिल्ली में बेरोजगारी दर जून से सितंबर तक दो गुनी हो गई। जवाब दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए आंकड़ा गलत है। जी आपकी देखिए आपकी बेबाकी के बीच में मैं 2 मिनट का समय अपने लिए भी चाहूंगा। देखिए तिलक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेरोजगारी ने जो है पूरे देश को तोड़ के रख दिया, तोड़ मरोड़ के रख दिया, पर आप देखिए अभी कल की ही बात है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अगर लगता है कि उन्होंने अगर किसी वादे में थोड़ी सी कमी कर दी है तो वो जनता के सामने स्वीकारते हैं, उन्होंने यमुना के ऊपर जनता के सामने स्वीकारा। मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ पेट्रोल डीजल बात नहीं, बेरोजगारी नहीं, या उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन से आप बताते हैं ना, आप कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना दूंगा, हमारा आप ही बोलते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके राज्य में अगर मैं आंकड़ा गलत दे रहा हूँ तो आप बोलिए ना, बेरोजगारी दर है कि नहीं, 2 गुनी हो गई, आप बताइए। मैं तो सिर्फ ये जून से सितंबर तक की बात कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट किया आप लोगों ने? भाई मैं वही बताना चाहूंगा तिलक भाई, मैं वही बताना चाहूंगा कि हम एक हर चीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं और पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने बोला कि हम महिला सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो हमने उसके लिए भी कार्य किया, अगर हमने बोला कि हम शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसकी सराहना सिर्फ हम नहीं करते, विश्व करता है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी के ऊपर भी हम पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। आपने सब कुछ सुना, एक मिनट तिलक जी, तिलक जी एक सेकंड, मैंने आप सबको मौका दिया, एक लाइन एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा। मैं अभी हिसाब किताब दिखा रहा हूँ पूरा स्क्रीन पे, पूरा हिसाब किताब सब्जियों में कैसे आ गया, पूरा हिसाब किताब। मुझे एक बात बताइए जयदिष्ट जी, ये महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही, क्यों आखिरकार आपको क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, वो हिंदू है, वो इतने मुसलमान है? अभी मुझे 19% की थ्योरी आर के मिश्रा जी दे रहे थे, बताइए। भारतीय इतिहास जो कहता है
ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद कोई भी पार्टी का जिस पार्टी का नाम ले लीजिए उसका जन्म ये जाति के आधार पे हुआ। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर आप लोगों ने काम किया, कांग्रेस आज अगर स्थापित हुई तो मुस्लिम तुष्टिकरण उसका सबसे बड़ा बेस था, जबकि 1947 का बंटवारा ही धर्म आधारित था, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है तुष्टिकरण मुस्लिम की। अब आ जाते हैं, मैं प्रादेशिक पार्टियों की बात करता हूँ, तो सपा का जन्म ही यादव और ओबीसी वोट को लेके हुआ, उन्होंने मुस्लिम वोट को अपना अधिकार समझ लिया, अपना आधिपत्य बना लिया। बहुजन समाज पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पार्टी बनी, और आज जिस उत्थान के लिए पार्टी बनी वो पार्टी अपने जगह पे है, जिन्होंने बनाई वो करोड़ों के संपत्ति के मालिक है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जातिवाद का दिन है वो कहीं ना कहीं भारतीय और उत्तर भारतीय, खास करके उत्तर भारतीय जनता और पार्टियों के जीन में घुस गया है, और एक चाह के भी जातिवाद से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अखिलेश जी की बात सुन रहा था, दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। अखिलेश जी आप दिल्ली में राज कर रहे हैं और दिल्ली की बेरोजगारी दर आज के डेट में 3 महीनों में जब दूनी हो गई, डबल फिगर में चली गई है, उस पर आप बात नहीं करते, आप फ्री की बात करते हैं। आज के डेट में राज्य का सबसे बड़ा स्टेक है, पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स जो है उसमें राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, और राज्य सरकार चाहे तो अपने टैक्स और अपने एक्साइज ड्यूटीज को कम करके आम जनता को उसकी सहूलियत दे सकती है। बट आम जनता को सहूलियत नहीं देना, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना है और चुनाव आते आते उसको धर्म आधारित बना देना, एक जो पार्टियों का जिन और पार्टियों का जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर हो चुका है। तो फिर इसमें दोषी एक पार्टी नहीं है, इसमें सिर्फ पार्टियां भी दोषी नहीं है, तो ये मुद्दे एजेंडे तय कौन करता है? जय जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जनता थोड़ी ना तय करती होगी कि आप न्यूज चैनल्स पर दिखाइए वो टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो राष्ट्रवाद वो हिंदू वो मुसलमान, ये जनता थोड़ी ना कहती होगी कि दिखाओ भैया यही दिखाओ। जनता कहती होगी महंगाई पर भी कभी दिखाओ, महंगाई पर भी चर्चा करो, बेरोजगारी पर भी चर्चा करो, कि जनता तय करती है कि कोई और तय करता है। भारतीय राजनीति का एजेंडा राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं, और किस मूवमेंट को किस एंगल के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है ये एजेंडा आजकल की राजनीतिक पार्टियों तय करती है। आप ऐसे समझिए कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के जिंदा, पाकिस्तान में चुनाव होता है तो एजेंडा डिसाइड होता है नरेंद्र मोदी। ओके ओके, चुनाव में मुद्दे क्यों गुम हो गए अंसारी साहब, आपको क्या लगता है? अब पूरा हिसाब भी दूंगा आगे में। अंसारी साहब अब आया मेरा ऑडियो? जी ऑडियो आ गया, अब आ गया ना सर। हाँ, ये क्यों आखिरकार ऐसा क्या होता है कि मुद्दे गुम हो गए, क्या लगा आपको? सब्जियों में आग लगी हुई है, कोई पूछ ही नहीं रहा। समाजवादी पार्टी शुरू से ही इन गंभीर मुद्दों को लेकर सड़क को आक्रम उतरी हुई है, और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रही है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी निष्ठा के साथ और भ्रष्टाचार को लेकर जितने आंदोलन हो सकते थे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विपक्ष में यहाँ मौजूद नहीं। ट्विटर पर सर अगर भी आप देख लें, ट्विटर पर अभी आप देखें मौजूदा हालात में भी अगर कोरोना काल को आप देखें, सबसे ज्यादा अगर कोरोना काल में समाजवादी पार्टी कोई थी तो समाजवादी पार्टी। अच्छा, और उसी के साथ साथ इत्तेफाक रखते हैं हमाम साहब, मेरे को तो कोई बता रहा था कि लल्लू जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा गिरफ्तारी देने का, और ये कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल हम हैं। बिल्कुल 2017 के बाद से आप देखें 2017 के बाद से अगर कोई विपक्ष में खड़ा होकर अगर बात करने वाला है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई सफल होकर बात की। अच्छा अच्छा, तिलक जी मैं इस बीच में अपनी एक बात रखना चाहूंगा प्लीज। 2017 से ज्यादा मुकदमे माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर क्यों लगे? अगर ये लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो इनके सांसदों विधायकों के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लग रहे? माननीय सांसद संजय सिंह के ऊपर मुकदमे क्यों लग रहे? अगर मुकदमे लगने की बात नहीं, आप एक बात देखिए, लल्लू जी का नाम तो वही बता रहा हूँ, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आज के समय पे, जो जनता की आवाज उठा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अजय मिश्र जी, मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, आज उनकी बात को दबाया जा रहा है।
और आप पूछ रहे थे ना कि एजेंडा कौन सेट करता है। हाँ। एजेंडा सेट करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा की पार्टियां और उनके बड़े बड़े न्यूज चैनल साथी, ये अंबानी अडानी के साथ मिलकर एजेंडा सेट करते हैं। ये एजेंडा सेट करते हैं कि हम हिंदू के ऊपर बात करेंगे, मुस्लिम के ऊपर बात करेंगे ताकि शिक्षा की बात ना हो पाए। ये सेट करते हैं कि हम राम धर्म के ऊपर बात करेंगे। ओके हमाम साहब, फिर मैं आरके मिश्रा जी को ला रहा हूँ, बोलिए क्या जानना चाह रहे हैं हमाम साहब। देख रही है 2017 के बाद से सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष के 70 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। और आपको देखा होगा हाथरस की घटना है, चोटभद्रे की बात हो, आजमगढ़ की बात, लखीमपुर की बात हो, अगर कोई गांधी ने किया है। अच्छा, हम अच्छा लखीमपुर में पहुंच गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ओके आप सबने अपनी बात को रख लिया। नहीं नहीं मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, एक सेकंड जय दीक्षित जी, क्या वाकई मुद्दे अगर भड़काऊ हूँ? नहीं मैं बड़ा हैरान होता हूँ। देखिए मुद्दा तो बड़ा होता है ना, सुनिए मेरी बात। मैं कई बार देखता हूँ बड़े बड़े चैनल्स की स्क्रीन देखता हूँ मैं कई बार, उसमें होता क्या है कि 5 बजे एक बड़ा चैनल मुद्दा उठाएगा और 6 बजे वही मुद्दा एक और चैनल उठाएगा, यानी 5 बजे दोनों का टाइम फिक्स नहीं होगा। 5 बजे वही वाला मुद्दा कोई और उठाएगा, 6 बजे कोई और उठाएगा और फिर 7 बजे कोई और उठाएगा। खैर वो एक विषय हो सकता है, लेकिन एक बात, महंगाई का मुद्दा कोई नहीं उठाता आजकल, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा था कि भड़काऊ मुद्दा अगर ज्यादा होगा, जैसे अगर अखिलेश यादव जिन्ना की बात कर देंगे, ओवैसी जी कहेंगे कि जिन्ना क्यों, योगी जी कहेंगे कि भैया हिंदू और हिंदुत्व कहराना, और इस बीच में कांग्रेस ये कहेगी कि भैया अयोध्या, तो फिर सवाल तो सभी राजनीतिक दलों पर ना कि जितने ज्यादा भड़काऊ होगा उतना ज्यादा वोट मिलेगा। बिल्कुल नहीं चाला जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी एक सेकंड जय निश्चित जी, क्या ऐसा ही है ना, जितना ज्यादा भड़काऊ होगा उतना वोट मिलेगा। प्रियंका गांधी ने हमेशा अभी वो खबर दिखाऊंगा सब हिल जाएंगे, अभी रुकिए ना, अभी वो खबर भी दिखाऊंगा। जय दीक्षित जी, देख ही नहीं होगी आपने, एक सेकंड हमाम साहब, एक सेकंड आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। जय दीक्षित जल्दी से, फिर आर के मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। दरअसल आजादी के बाद हर पार्टियों ने अपना एक वोट बैंक बना लिया और कुछ सेंसिटिव ऐसे मुद्दों को इन्होंने जिंदा रखा जिसको लेकर TRP मिलती रहे। एक समुदाय विशेष के लिए पूरे 50 साल लोगों ने खुशी खुश करने के लिए टोपी पहने, जालदार टोपी पहना सब किया, उसकी जो उद्वेग है 80% जनता के मन में एक दूषित भावना इकट्ठी हुई और आज स्थिति यह है कि हर छोटे मोटे मुद्दे पे हिंदू और मुसलमान करके वोट बैंक की राजनीति हर पार्टी करने की कोशिश कर रही है। आज अगर जिन्ना आए हैं तो जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव जी को TRP मिलना था कि वो सबसे बड़े उस वर्ग के प्रति एक विशेष वर्ग के बहुत अच्छे शुभचिंतक है, क्योंकि उनका वोट बैंक ओवैसी और आम आदमी पार्टी के आने के चलते सिटक रहा है। आम आदमी पार्टी के सामने केवल फ्री के अलावा और कोई चीज नहीं है, ये बेचारे फ्री की अलावा करने की इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के हमारे सभी कुछ कह रहे थे कि अडानी और अंबानी एजेंडा तय करते हैं, ऐसा नहीं है सिंह साहब। अडानी अगर एजेंडा तय कर रहे होते तो भारत आपके दिल्ली राज्य में जो आप शासन कर रहे हैं वहां का पूरा बिजली अडानी और अंबानी तो देख रहे हैं। अच्छा एक बात लोगों ने आपको फ्री उससे क्या दिक्कत है? अगर विधायकों सांसदों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो जनता को क्यों ना मिले? अगर विधायकों सांसदों के लिए प्राइवेट जेट हो सकते हैं तो जनता के लिए मुफ्त यात्राएं क्यों ना हो?
अगर विधायकों सांसदों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां राशन हो सकता है तो जनता के लिए क्यों ना हो। और एक बात बताइए, ठीक है जय दीक्षित जी, एक मिनट जय दीक्षित जी, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जय दीक्षित जी, अगर 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 जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप जनता के लिए भी तो वही चीजें होनी चाहिए जो विधायकों सांसदों के लिए हो रही है। महंगाई बिल्कुल जनता का मुद्दा है और हम महंगाई के मुद्दे पे बिल्कुल प्रखर है। आप सुनिए, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अनुरुद्ध जी मुद्दे पे आता हूँ ना, एक सेकंड आप कैसी बातें कर रहे हैं, याद करिए इस देश ने जेपी को भी देखा है, इस देश ने जेपी को भी देखा है साहब, इसलिए ये मत कहिए कि कौन एजेंडा तय करता है, इस देश ने जेपी को देखा है, जेपी को याद रखिएगा, ये वो देश है जिसने जेपी को देखा है। तिलक जी मैंने शुरुआत में तभी तो आपको बधाई दी कि आपके जैसे लोग भी हैं, कुछ बेबाक लोग भी हैं आज भी जो जनता की आवाज बनते हैं, और कल को वही कल के जेपी है और कल के वही महानायक है। देखिए आज बहुत कोशिश करी, जानना चाहता हूँ कि महंगाई का भेद क्या है, महंगाई दीक्षित जी आप लोग चाहते हैं मैं भी वो वर्सेस दिखा के वो लड़ा दो टकरा दो भिड़ा दो दिखाऊं, एक सेकंड चर्चा करेंगे ना, ₹250 के आसपास है, चर्चा करेंगे सर, एक सेकंड अंसारी साहब आप लोग एजेंडे पर क्यों नहीं आ रहे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग एजेंडे पर आइए ना, उनकी पिच पर जाकर खेलेंगे और फिर कहेंगे कि देखिए खेला हो बे, उनकी पिच पर जाके खेल लोगे क्या अंसारी जी? जी हम तो शुरू से ही महंगाई को मुद्दा बनाकर यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमने विकास कार्यों में जितने विकास किए हैं, बीजेपी का हमेशा एजेंडा रहा है किसानों को मारो, छात्रों को नौकरी डिमांड करने पर उनको मारो, गाय के नाम पर किसानों का उत्पीड़न करो, और उसी के साथ साथ तो फिर वही तो कह रहा हूँ, ये जिन्ना कहाँ से आ गया, ये जिन्ना कहाँ से आ गया, घोड़ी जिन्ना को गोली चलने के नाम पर दलितों का उत्पीड़न करो साहब, मुझे है ना ये मुझे पढ़ा रहे हो आप जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता से मोहब्बत का क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी तो हमेशा मुद्दों के दम पर ही राजनीति करती रही और आगे भी समाजवादी पार्टी मुद्दे के दम पर राजनीति कर रही है। अच्छा आप देखें, अच्छा एक साल में क्या हुआ है, आप मुद्दा मैं बताता हूँ क्या होता है, रुकिए ना, रुकिए आप लोग एक सेकंड मुद्दा मैं बताता हूँ क्या होता है, एक सेकंड जय दीक्षित जी प्लीज, एक सेकंड आर के मिश्रा जी बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तो तिलक चावला सवाल ही नहीं पूछ रहे, हमसे नहीं पूछ रहे, मैं तो सबकी राय जानना चाह रहा था, जब आपने 19% बोला तो मैंने कहा सबकी राय भी आ जाए, ये 19% का खेल क्या है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, 97% लोग कहते हैं कि हमारी आमदनी कम हो गई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, मैं उस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 97% लोगों की आमदनी कम हो गई, इस साल इसी साल का मैं जिक्र कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल चलिए छोड़ दीजिए, आप अपनी पीठ थपथपाएंगे 30 रुपए बढ़ाया 12 रुपए कम कर दिया, वो एक अलग विषय हो सकता है, इस साल सीएनजी 7.06 रुपए आपने पर किलो के हिसाब से महंगी की, पीएनजी 7.61 रुपए 5 बार रेट बढ़े सीएनजी के 5 बार, नवंबर में एलपीजी का सिलेंडर 2020 से अब तक 305 रुपए महंगा हो गया सर, 305 रुपए महंगा, आपको हैरानी होती है कि मुद्दा नहीं बन रहा, अगर यही विपक्ष में बीजेपी थी तो मुद्दा याद है ना सर आपको कौन कौन उठाता था, अब तो मैडम दिखाई भी नहीं देती, गलत बोल रहा हूं आर के मिश्रा जी?
प्लीज मिश्रा जी का ऑडियो उठाइए। एक्चुअली क्या है, मैं आपको सबसे पहले सपा के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, मैं उनको कहना चाहूंगा जो कि ट्विटर और फेसबुक नहीं है, जो आप जनता के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं ना उसको उठा करके ट्विटर और फेसबुक से नहीं किया जाता है, उसको लिए उसके लिए ग्राउंड पर उतरा जाता है। आपने देखा होगा जोगी जी ने 75 जिलों का जो दौरा किया वहां पे यूपी में, एक एक जिले में जाकर के उन्होंने अपने खुद से मॉनिटरिंग करी है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। आरके मिश्रा जी, आप लोगों को आरके मिश्रा जी छोड़िए ना, आप सत्ता में है पूर्ण बहुमत के साथ आए, मैं आपसे सिर्फ मैं आ रहा हूँ। आपके घर गैस का सिलेंडर आता है सर, क्या रेट? आ रहा हूँ उसी मुद्दे पर। क्या रेट है? तिलक जी उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। रेट बताइए, 899 या ऐसे ही कुछ समथिंग है, 899 समथिंग। हाँ कुछ ऐसे ही है, 900 रुपए के आसपास है करीब। 900 रुपए मैं आपको बताता हूँ तिलक जी, 305 रुपए महंगा हो गया सर, 305 रुपए महंगा नवंबर 2020 से लेकर अब तक, मैं गलत बोल रहा हूँ? बता रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल तिलक जी ऐसा है, मुझे मात्र 10 सेकंड दीजिए, मैं एक एक चीज का जवाब मैं कम से कम, क्योंकि मैं जवाब देने वाला अकेला हूँ और यहाँ पर जो तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा। अभी सिंह साहब कह रहे थे, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे जो कि किस तरह से आरोप लगाया उन्होंने, मैं उनको ये कहना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली आपसे तो संभल नहीं रही है और आप जाकर के यूपी और जगह की बातें कर रहे हैं, कुछ और पूछ रहा हूं, इसीलिए आ रहा हूं उसी पे। तीसरी बार सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सर, आप 10 बार तीसरी बार सरकार बनाई है ना अनुरोध जी, तीसरी बार सरकार बनाने से, तीसरी बार सरकार बनाने से आप समझेंगे जबकि जनता के ज्वलंत मुद्दे आपने उठा लिए, ऐसा तो नहीं है। आप जनता के टैक्स के पैसे को, तभी तो सरकार बनाई है ना, जनता साथ है तभी तो सरकार बनाई है मिश्रा जी। अरे अनुप जी ऐसा है, जनता साथ है वो कितना साथ है, जमुना जी के लिए 29 करोड़ रुपया वो आपने कहां पर रखा, 20,000 करोड़ एमसीडी को कहां पे, सड़क की क्या व्यवस्था है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, सीसीटीवी का आपने क्या किया? अगर आरोप हमें लगाना होगा ना, जिस तरह से आपने अपना मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली में वो, और किस तरह से आपने उस चीज को इंप्लीमेंट किया है ये सब जानती है। मैं मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, गंदे पानी आप घर में सप्लाई कर रहे हैं गंदे पानी को, और आप कह रहे हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं समझिए जो कि जनता ने आपको चुन के भेजा है तो जिम्मेदारी के साथ भेजा है, जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं। आप जो भी है जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर के आइए, आपने बैठ क्यों नहीं घटाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने दिल्ली में वैट क्यों नहीं घटाया? नहीं करते हम, अभी पहले 50 रुपए बढ़ा दिए फिर 5 रुपए बढ़ा दिए, हम शुरुआत से ही वैट कम ले रहे हैं जनता से, हम शुरुआत से आपने बताया 30 रुपए बढ़ाया फिर 15 रुपए घटा दिया, 15 रुपए घटाने के बाद कुछ ही पीछे तपाने लगे, हमने 30 रुपए घटाया, हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस दिए वैट के, शुरुआत से ही जनता से हमने वैट की शुरुआत से लिए, लौटी सरकार ऐसी है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो फाइट चल रही है बजट के मामले में, हमारी रिपोर्ट नहीं है सीएजी की रिपोर्ट है, 80,000 करोड़ के बजट को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और इकलौती सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, आपकी सरकारों की तरह लोन नहीं लेना पड़ता है, बिल्कुल क्यों नहीं है, हमने वैट की बात आप फिर रहे हैं, हम जनता से सिर्फ और सिर्फ उतना टैक्स लेते हैं जितने में जनता की काम आ सके, आपकी तरह नहीं 35 रुपए बढ़ा दिया बाद में 12 रुपए घटा दिया, नहीं आप ये आ पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे क्योंकि आपकी कई सरकार है, आपकी सही सरकार है घाटे में चल रही है, आपकी सही सरकार है घाटे में चल रही है, हमारी सरकार इकलौती सरकार है भारत के अंदर जो फायदे में चल रही है, इकलौती सरकार है जनता को सारी सुविधाएं मुफ्त रूप से मुहैया कराने के बाद भी हमारी सरकार फायदे में चल रही है, आपकी तरह नहीं 35 रुपए पहले कर दिया फिर 15 रुपए घटा दिया और खुद की पीठ थपथपाने लगे, हम जनता से फालतू का टैक्स नहीं लेते हैं आपकी तरह, दिल्ली संभालिए, हमसे बहुत अच्छे से संभल रही है, ना आप उत्तर प्रदेश संभल रहा है, ना आपसे मध्य प्रदेश संभल रहा है, ना आपसे बिहार संभल रहा है, आपसे कोई भी राज्य नहीं संभल रहा है, क्या मालूम हो रही है आप
का क्या हाल हो रही है आपकी? आपके विधायक सांसद, आपके विधायक सांसद जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जनता उनके साथ क्या व्यवहार करती है? आपके विधायक सांसद जनता के बीच जाते हैं और जनता उनके साथ क्या व्यवहार करती है? आपके विधायक दिक्कत है अनुरुद्ध जी दिक्कत यही है, मैं बता देता हूँ। अनुरुद्ध जी एक सेकंड, या तो मैं सवाल ना पूछ रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड जवाब लेने दीजिए प्लीज। आर के मिश्रा जी जी सर, मैं राजनीतिक दल थोड़ी ना हूँ जो लटका देंगे, टहरा देंगे, बढ़ा देंगे। अब सुनिए मेरी बात सर, आर के मिश्रा जी छोड़िए ना, आम आदमी पार्टी से मत लड़िए भाग गया डिबेट छोड़ के। एक सेकंड रुकिए ना, आग्रह किया मैं शांत हुआ प्लीज, अगर ये बेतथ्य हम के ऊपर लगाएंगे। मुझे दिल्ली की जनता की चिंता है, मुझे दिल्ली की जनता की चिंता है, मुझे जनता की फिक्र है। बिल्कुल 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 चिंता है और इसीलिए जनता के लिए हमने सारी सुविधाएं दी है। आर के मिश्रा जी ऐसा महसूस हो रहा है आप सवाल से भाग रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी से जबरदस्ती भिड़ रहे हैं। सवाल सुन लीजिए ना सर, सवाल सुन लीजिए। 5 मिनट पहले मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। मिश्रा जी मैं पीछा नहीं छोड़ता जब तक जवाब नहीं आता। अंसारी जी छोड़िए, अभी जिन्ना याद रखिए एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं आर के मिश्रा जी कि सिलेंडर आपने बताया कि 305 रुपए महंगा हो गया जो मैंने पूछा आपसे, और आपने कहा कि 899 रुपए समथिंग आपके यहां आता है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा, आपको क्या लगता है? देखिए तिलक जी, हर एक पार्टी का इसमें हर एक पार्टी का योगदान होना चाहिए। आज मान लीजिए केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई उसने निश्चित तौर पर, तो ये हर एक सरकार को सोचनी चाहिए। आप अपने समय में सेलेक्टिव, मैं आ गया, मैं गैस सिलेंडर की मैं कह रहा हूँ, गैस सिलेंडर हो चाहे टमाटर हो चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, मैं कह रहा हूँ 2-3 मात्र अच्छा याद दिलाया, बिल्कुल नहीं बहुत बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पर आ जाता हूँ। ओके ओके आराम से सर, प्याज का रेट अक्टूबर नवंबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और प्लीज पीसीआर मेरे सहयोगी सुमित, मैं चाहूंगा कि अगर हम उसको प्लेट को प्ले कर पाए। मैं सब्जियों में जो आग लगी है उसका जिक्र कर रहा हूं, सब्जियों में कैसे आग लगी है सर। अक्टूबर नवंबर के मैं रेट बताऊंगा आपको और आप लोग हैरान हो जाएंगे, और हमारे देश में समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्यों नहीं बना। खैर आप सबके घर में, मिश्रा जी जब आप फ्री होते होंगे तो आपको भी सब्जी लानी होती होगी जैसे सब लोग लेकर आते हैं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं। प्याज का रेट अक्टूबर में 20-25 रुपए था, नवंबर में हो गया 50-60 रुपए। आलू का रेट 12 रुपए था, 40 रुपए हो गया। टमाटर का रेट 20 रुपए था अक्टूबर में, 80 रुपए हो गया नवंबर में। लहसुन का रेट अक्टूबर में 160 रुपए था और नवंबर में हो गया 250 रुपए। लौकी का रेट 20 रुपए था, 20 रुपए और अब हो गया नवंबर में 50 रुपए। धनिया 100 रुपए, नवंबर में हुआ 250 से 300 रुपए। गोभी का रेट 40 रुपए, नवंबर में 80 रुपए। टिंडा 40 रुपए, 105 रुपए। सर लिस्ट तो बहुत बड़ी है, और मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं, जो गरीब आदमी सरसों का तेल लेता है सर, उसको तो बख्श देते कम से कम। मिश्रा जी वो तो बख्श सकते थे सर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं आपको कह रहा हूं महंगाई, राष्ट्रीय वाले ने खोला हुआ है, सबके रेट दिखा रहा हूँ। देखिए आप सबके रेट दिखा रहा हूँ। बोलिए मिश्रा जी, आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिएगा, आप पाकिस्तान मत चले जाइएगा प्लीज। ये रेट मैं दिखा रहा हूँ, चिंता क्यों नहीं आप? अंसारी जी प्लीज बोलिए नीचे, अंसारी जी का, अंसारी जी ये राष्ट्रहित वाला चैनल नहीं है जो राष्ट्रवाद के नाम पे टकरा दो। एक सेकंड जवाब ले रहा हूँ सत्ता से, जवाब सुनिए पहले। आर के मिश्रा जी प्लीज प्लीज सर बताइए। 2-3 फैक्टर है तिलक जी, ऐसा है 2-3 फैक्टर है, जहाँ पर आपने देखा है जो अभी अक्टूबर तक बारिश हुई है, अक्टूबर तक जो हम लोगों ने देखा है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एक मौसम भी जो है तो इसमें बहुत बड़ा
रोल अदा किया है, जो कि 2014 से पहले ऐसे मौसम रहते थे सर? नहीं रहते थे, मैं कहा कह रहा हूँ जो कि नहीं रहते थे, लेकिन कहने का मतलब ये है जो कि जिस तरह से कोरोना काल आया, मैं आपको कोरोना का भी तो मौसम से सरसों के तेल का क्या लेना देना सर? सर तिलक जी प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों इम्पैक्ट है। आप एक चीज बताइए कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री, मैं दो तीन पॉइंट बताऊंगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो सर छोड़िए ना, वो थैला भर के कभी सब्जियां आती थी, आजकल तो थैले में पैसे जाते हैं और सब्जियां आती हैं पाव में। लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं सर, इतना जानना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर चिंतित हैं ऐसे हालात में, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं इस बात को लेकर भी ये जिक्र कर रहा था कि कुछ आंकड़े मैंने देखे जयदीशित जी, वो आंकड़े ये थे कि दिल्ली में 16% के आसपास, राजस्थान में 18%, हरियाणा में 20%, जम्मू कश्मीर में 21%, बिहार में 10%, त्रिपुरा में 15% के आसपास, झारखंड में 14% के आसपास, पौंडुचेरी में 11% के आसपास। ये बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं सर, मैं जो पढ़ रहा हूं, जो नहीं पढ़े जाते मैं जानता हूं, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं ये भी जानता हूं, ये उनके पास भी आंकड़े होंगे जो आंकड़े मेरे पास है। ये मुद्दा क्यों नहीं है सर? आर के मिश्रा जी, मैं गलत आंकड़े पढ़ रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आंकड़े पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल। खास करके मैं एक चीज बता देता हूं, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसका एक मेन फैक्टर जो लॉकडाउन था और कोविड था, निश्चित तौर पर। लेकिन आप, आपको एक चीज मैं बता दूं, जो कि जिस तरह से ये परसेंटेज हमने और आपने देखा, अभी ये परसेंटेज में कमी आएगी सर, कमी है। बेरोजगारी दर 12 राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है, 8 राज्यों में बेरोजगारी दर जो है वो 2 अंकों के पार पहुंच गई है। आग जी बढ़ी है, मुल्क के रोड पर बेचते जा रहे हैं, रिड्यूस होगी, ये रिड्यूस होगी, ये कम होगी निश्चित तौर पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज अभी खुल गई है और प्लीज ऑडियो ठीक करिए, पीसीआर प्लीज। मिश्रा जी मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट इशू लेकर आया हूं मैं, एक सेकंड प्लीज। जयदीशित जी अपनी बात रखिए, मैं तो वही आंकड़े पढ़ रहा हूं, ये तो आंकड़े सबके पास जाते होंगे साहब। जयदीशित जी, तिलक जी मुझे एक वाक्य ध्यान है, 2013 में एक गुजरात में एक लाल किला का बहुत बड़ा एक रिप्लिका बनाई गई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां उस रिप्लिका से बोला था कि देश में पेट्रोल डीजल और डॉलर के जो रेट आसमान छू रहे हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, हम आएंगे तो उसको कम कर देंगे। महंगाई का एक सबसे बड़ा जो कारक है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो डीजल और पेट्रोल और सीएनजी से चलती है। तो हमें मिश्रा जी, मैं आपसे, मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे इसलिए है कि वो कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसपे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और डीजल पेट्रोल और डॉलर के जो रेट आसमान छू रहे हैं उस पे हम आएंगे तो कंट्रोल कर देंगे। मुझे नहीं लगा कि उस दिन के बाद 1 रुपया भी डीजल का दाम कम हुआ। प्लीज आर के मिश्रा जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। मिश्रा जी की आवाज चली गई, मिश्रा जी की आवाज चली गई, प्लीज कनेक्ट करिए प्लीज। हेलो, हाँ मिश्रा जी प्लीज बात रखिए, आ गया ऑडियो। हेलो जी जी, ऑडियो आ गया, बात रखिए। हाँ मैं कह रहा हूँ 2-3 पॉइंट ऐसे रखूंगा जो कि बस उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगी आपको। निश्चित तौर पर जय जी आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया। देखिए कुछ जो पॉलिसी थी वो पुराने सरकार की जो पॉलिसी थी वो निश्चित तौर पर ये महंगाई का एक मेन फैक्टर भी था, जैसे ऑयल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये लाखों करोड़ों रुपये का ये लायबिलिटी इस सरकार के ऊपर में आई। दूसरी बात, हमारे देश में रिवेन्यू जो है वो बिल्कुल ही सिलेक्टेड है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो निश्चित तौर पर ये भी एक फैक्टर है। आज आप मान गए, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भैया पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तब आप हो हल्ला काट रहे थे और आज आप बता रहे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। नहीं नहीं अनुरुद्ध प्रताप जी, जल्दी से अभी एक और ब्लास्ट करूंगा, रुकिए अभी एक और ब्लास्ट करूंगा। जी जी, दिवाली है ना अनुरुद्ध जी, अनुरुद्ध जी
जी जी जी रखिए अपनी बात रखिए। हेलो, मैं कह रहा हूँ ये आंकड़े मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग भी जो है वो तमाम न्यूज चैनल्स पर जाते हैं ना जहाँ पे राष्ट्रहित की बात होती है, ये राष्ट्रहित है उनको याद दिलाइए, वही पढ़ाइएगा सबको। तिलक भाई आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि महंगाई का आलम ये है कि जो सीमेंट की बोरी 195 की होती थी वो 410 की है इस समय, ठीक है। स्टील की कीमत जो 3600 रुपए होती थी वो 6500 है इस समय, ठीक है। तो महंगाई ने तो हर जगह पे अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। और आज आप किस तरीके से देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दिए जाए, मुझे अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दिए जाए, ठीक है। तिलक भाई, साथी के साथ हम पर एक आरोप लगाया भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कि हमसे सरकार नहीं चल रही है, ठीक है, दिल्ली की। देखिए, मैं प्रवक्ता साथी को एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। दिल्ली की सरकार इकलौती सरकार है सीएजी के अनुसार जो फायदे की सरकार चल रही है, जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद। तो आप अपने राज्यों को देखिए ध्यान से, ठीक है। साथ ही साथ आज वो आलम आ गया है, थोड़ी सी देखिए अनइंटरप्टेड मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, मैं आपकी बात का भी सम्मान रखूंगा, ठीक है। उसके बाद आज आप देखिए, भैया जय दीक्षित जी आप बात कह रहे हैं, आप साफ तौर से कहिए, मुझे अपने 10 सेकंड दीजिए। ताकि आप इतने हितैषी हैं कि एक विधायक की सैलरी फ्री में कर लेते कि हम 1 रुपया लेंगे, आपने तो सैलरी 10 गुना बढ़ा के 2.5 लाख कर दी। बिल्कुल, मैं आपकी बात के जवाब देना चाहूंगा। हम जनता के इतने हितैषी हैं कि हम अपने लिए 10 करोड़ का एरोप्लेन नहीं लेते, हम 150 करोड़ खर्च करके जनता के लिए सारी यात्राएं मुफ्त कर देते हैं। निश्चित ही हम कितने हितैषी हैं वो जनता जानती है। जी तिलक जी, तो देखिए महंगाई का आलम आप बता चुके हैं और मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि यह महंगाई सिर्फ एकदम से नहीं आई है, ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है। इस महंगाई को जानबूझ के लाया गया है। आज जो किसान 1 साल से ऊपर बैठे हुए हैं वो यही तो बता रहे थे कि अगर ये सारी फार्मिंग को आप तीनों बिलों को लागू करोगे तो ये भयावह रूप आपको देखना पड़ेगा, और वो भयावह रूप शुरू हो गया है। अडानी साहब ने अपने छोटे छोटे पैकेट में तेल बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो चेतावनी दी थी किसानों ने, जो राज्यसभा सांसद जी हमारे संजय सिंह ने चेतावनी दी थी, जो विपक्ष ने चेतावनी दी थी, आज वो सच होने लगी है। महंगाई का आलम आज चरम पर है। पर आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इन बातों को मुद्दा बनाया ही नहीं जाता है। मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू लेकर आ रहा हूं। पीसीआर हमारे पास गुजरात से आई एक खबर है। एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं। सुमित, क्या है हमारे पास वो खबर? मैं बहुत गंभीर विषय को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर के मिश्रा साहब, वो जो है ना वो राष्ट्रहित वाले, वो खास तौर पर ध्यान से, पता क्यों? वो 10 ग्राम अफीम पर पूरा कोहराम मचाने वाले। जी, अब इस तस्वीर को प्ले करिए। मैं खबर की कटिंग दिखा रहा हूं। ये खबर मैं बताऊं आपको आर के मिश्रा साहब, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं इसलिए मैं आपको एक खबर बताता हूं। मैं दो अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं, एक 11 नवंबर की है, ये गुजरात का संदेश अखबार है, जिसमें बताया गया कि ड्रग्स की राजधानी गुजरात। यह खबर बहुत वाकई में गंभीर विषय है और यह खबर वाकई में सवाल खड़ा करती है। 11 नवंबर को संदेश अखबार में हेडलाइन छपी कि ड्रग की राजधानी गुजरात, और फिर उसके बाद एक और मैं कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें है गुजरात समाचार की, जिसकी खबर यह बताती है, चौथे पन्ने की यह खबर है, 5 महीने में, ध्यान से सुनिएगा, 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ गुजरात में, एक राज्य में। मिश्रा जी को प्लीज स्क्रीन पर लीजिए आप। मिश्रा जी, एक राज्य में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एक राज्य में 5 महीने से 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, कोई मुद्दा नहीं बना। आपको हैरानी नहीं हुई? हाँ तिलक जी, मैं जवाब दूं जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ड्रग्स बरामद हुआ, ड्रग्स सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये सप्लाई होने से पहले ही इसको कर लिया गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी इंटेलिजेंस। अच्छा, तो मतलब आपको हैरानी नहीं हुई कि गुजरात जो है जहां पर 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, आपको हैरानी नहीं हुई? आपकी बरामद कर देखिए, ये आपकी कामयाबी है। सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा देश है, यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल होंगे निश्चित तौर पर,
लेकिन ये मतलब सरकार आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि 24,000 करोड़ का ड्रग्स कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा वहां पर, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कह रहा हूं यह सरकार इतनी चाक चौबंद और इतनी दुरुस्त है जो कि यहां पर जो यहां पर आम आदमी मतलब पार्टी के नेटवर्क में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये ड्रग्स पहुंचा कैसे करने की बात कर रहे हैं, ये ड्रग्स पहुंचा कैसे घर में सप्लाई करने की, ये शराब को घर में डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं, ये ड्रग्स कैपिटल बन गया है। नेवर गुजरात की सरकार, हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स वहां पर मिला कैसे, बरामद किया गया सप्लाई नहीं किया गया। इस शब्द को देखिए, 55 दिनों में 245 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य मंत्री बता रहे हैं। तिलक जी मैं कह रहा हूँ एंटी सोशल एलिमेंट्स निश्चित तौर पर एक्टिव होंगे लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। अच्छा तो ड्रग्स बरामद हो रहा है, यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। 2016 में नोटबंदी की और आपने कहा था कि ड्रग्स माफिया खत्म हो गए, तो फिर ये कौन है? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंसी हमारी इतनी स्ट्रांग है अभी, ओके, भाजपा मतलब ड्रग्स माफिया खत्म नहीं हुए मानते ना, तो वो 10 ग्राम वालों को समझाइए कि ये खबर है। मैंने वो 10 ग्राम को खबर बनाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, उनको भी बताइए कि ये गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ी गई है वो भी खबर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कल फिर होंगे हाजिर कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में निरंतर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। महंगाई का मुद्दा अब इस सरकार में कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो वर्तमान सरकार महंगाई पर चर्चा न करके हिंदू मुस्लिम की बात करती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता।